नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर शेयर मार्केट में आप पैसे कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए। आई बटन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट देख के अपना पूरा वीडियो आप डीमैट अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड कैसे सेट करना, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दिए हैं। उसका भी आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पहले अपना डीमैट अकाउंट बनाइए, यूजर आईडी पासवर्ड आप प्राप्त कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसे लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी डीमैट अकाउंट अगर आपको खोलना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके गाइज, आप यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट मान लेते हैं, आपका खुल गया। अब डीमैट अकाउंट खुलने के बाद क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सो इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिए, अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस यहाँ पर अपने टैब की स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं एंजल वन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, बगल में आप देखिए, यहाँ पर मैं एंजल वन को ओपन कर लिया है। पैसे इसमें सबसे पहले आपको लगाने के लिए, किसी भी शेयर में पैसे लगाने के लिए आपके एंजल वन ऐप पर आपके फंड्स में कुछ बैलेंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर खरीद पाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पर खरीद कैसे पाएंगे। ठीक है, तो फंड्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एकदम राइट साइड कॉर्नर पर नीचे फंड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही गाइस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐड फंड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और बगल में यहाँ पर विथड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपको पैसे निकालने हैं तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। फिलहाल गाइस अभी तो आपको पैसे पहले लगाने हैं, तभी तो आप बाद में निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ऐड फंड्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आप यहाँ पर इसमें ऐड करना चाहते हैं उतना आपको डालना है। लाइक यहाँ पर मैं 10,000 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको पे फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, आप कैसे यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका जो पैसा होगा यहाँ पर पे फॉर्म यहाँ पर सेंट्रल बैंक से यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अपना बैंक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे बैंक से जाते हैं तो यहाँ से अपना ऐड बैंक अकाउंट पर, इस पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका गूगल पे का ऑप्शन मिल जाएगा, UPI मेथड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी, जिससे भी आप चाहते हैं उससे आप अपना पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग चाहते हैं, नेट बैंकिंग पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्रोसेसिंग होगा पूरा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे प्रोसेस होने देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको पेमेंट गेटवे पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यूज, जो भी आपका नेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी है, यूजर आईडी, पासवर्ड, उस पर आप यहाँ पर डाल के, पासवर्ड डाल के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी आपके बैंक से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डालेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना यहाँ पर पेमेंट जो है ऐड कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। जब आपका यहाँ पर पेमेंट ऐड हो गया, आपके बैलेंस में आपका जो ही फंड्स में आपका बैलेंस हो गया, अब यहाँ से आप किसी भी शेयर पर आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। शेयर्स को खरीदने के लिए आपको यहाँ पर वॉचलिस्ट वाले ऑप्शन पर आना होगा, और वॉचलिस्ट यहाँ पर सेकंड में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड में वॉचलिस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसी भी सर्च, मान लीजिए किसी भी शेयर को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च स्टॉक फॉर कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। किसी भी शेयर को आपको यहाँ पर सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं किसी शेयर को सर्च कर लेता हूँ, मान लीजिए हम जियो का शेयर सर्च कर लेते हैं। जियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से सर्च करेंगे रिलायंस जियो। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर रिलायंस पहले से यहाँ पर ऊपर आने लगा था, यहाँ पर इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस का शेयर यहाँ पर आ गया, और 2500 का यहाँ पर अभी दिखा रहा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। खरीदने के लिए आपको एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब यहाँ पर खरीदने के लिए इसके कुछ टाइम निर्धारित होती है, उसी टाइम पे आप खरीद सकते हैं। आप किसी भी टाइम यहाँ पर शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में ही आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, ये इसका रूल है। उसके बाद ना आप शेयर खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं वीडियो शाम को बना रहा हूँ, नहीं तो आपका मैं आपको यहाँ पर शेयर को खरीद कर पूरा दिखाता। तो खरीदने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बाय और सेल का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, वहाँ पर मैं पूरा बाय सेल करके पूरा आपको दिखाऊंगा, कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, पूरा डिटेल में अगली वीडियो में यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।
तो बस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैसे आप पैसे ऐड कर पाएंगे, कैसे शेयर खरीद पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास हमेशा पहुँचते रहे। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।